हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया डीटीएच इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसको दबा देना है और बगल में एक बेल आइकन घंटी दिखाई देगा, उसको भी दबा देना है। ये दबाने से कोई पैसा वगैरह नहीं कटता है दोस्तों, ये दबाने से केवल आपको हमारा जब भी अपने YouTube चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा और वहां से आप जाकर देख सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने कैसे बनाया, इससे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से डीटीएच को सेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं ये वाला कनेक्टर, इसी से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से डीटीएच को सेट कर सकते हो। तो मैंने कैसे इसको बनाया है, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे यानी लास्ट तक देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, 100% मालूम चल जाएगा दोस्तों कि इससे कैसे डिश सेट होता है। तो आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि ये जो कनेक्टर है इससे कैसे डिश सेट होता है, तो आपको मैं बता दूं, इस वीडियो को यानी लास्ट तक देखिएगा तो 100% आपको मालूम चल जाएगा कि दोस्तों इस कनेक्टर से डिश 100% सेट होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको दिखाते हैं और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक अवश्य कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछ सकते हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं इससे कैसे डिश सेट होगा। तो फाइनली दोस्तों, ये कनेक्टर आप लोग देख सकते हो ये कैसे मैंने बनाया है। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग के पास ये मदरबोर्ड होगा जो कि डीटीएच का मदरबोर्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये कनेक्टर को यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे सोल्डिंग आयरन होता है, इसको निकाल लेना है। 1, 2, 3, 4, ये चारों पोल को निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला दोस्तों थोड़ा फोकस मार देते हैं। हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो ग्राउंड है ना, ये इस पिन को निकाल देना है, ये वाला, ये जो पिन आपको दिखाई दे रही है, ये वाला पिन, इसको आपको यहाँ से निकाल देना है और इसको आपको हल्का सा कट कर देना है। और उसके बाद ये जो कनेक्टर का दोस्तों, ये कनेक्टर का जो आता है, थोड़ा सा इसको ऑफ कर देते हैं लाइट को। देखिए, ये कनेक्टर का जो बीच में ये जो वायर है, इसको लेकर और इसमें कनेक्टर में लगा देना है। उसके बाद इसको यहाँ पे लगा देना है और देखिए, ग्राउंड में आपको हल्का सा वायर दिखाई दे रहा है, इसको ये इस ग्राउंड से इस ग्राउंड में नीचे की तरफ, जो कि नीचे की तरफ इसके अंदर एक ग्राउंड होता है ये वाला, उसके अंदर इस वायर को बांध देना है, मतलब धागे वगैरह से। और उसके बाद इसको जो बीच वाला दोस्तों, ये 12 वोल्ट का प्लस होता है, इसमें आपको लगा देना है, इसमें भीतर अंदर की तरफ। और उसके बाद आपको एम सील ऊपर इसको चिपका देना है। देखिए 100% ये बन चुका है, एकदम मजबूत हो चुका है। इसको कैसे बनाना है आपको तो मैं बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे डिश सेट कैसे होगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डिश सेट कैसे करना है ये कनेक्टर से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छेद है और यहाँ पे ये कनेक्टर है, ये बोल्ट है। तो चलिए अब आपको बताते हैं। तो आपके पास कोई ना कोई महंगा सेटेलाइट फाइंडर होगा ही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें लगाते लगाते ये फैल गया है। देखिए, इसमें जो कनेक्टर आता है, छोटा मोटा हम कनेक्टर बनाते हैं ना सर्विस वायर, तो इसको बार बार लगाने से ये फैल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसका तो काम ही नहीं पड़ता है, इसका काम पड़ता है। तो बार बार लगाने से दोस्तों, इसका जो छेद है, जो होल आपको दिखाई दे रहा है, ये फैल जाता है, यानी चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये गलत बात है दोस्तों, ये बार बार लगाएंगे तो फैल जाएगा, तो इसको आपको चेंज करना पड़ जाएगा। और मीटर को खोलेंगे जब तक तबे ये चेंज होगा, तो मीटर बार बार लगाने से खराब हो जाता है। तो इस कनेक्टर को, जी हाँ दोस्तों, ये जो कनेक्टर मैंने बनाया है, इसको ऐसे लगाकर और हमेशा के लिए इसमें छोड़ देंगे, हमेशा के लिए इसमें छोड़ देंगे। देखिए ये हो चुका, अब हमारा जो ये वाला जो था मीटर का कनेक्टर, ये दोस्तों खराब नहीं होगा, और इसमें हम वायर लगाएंगे, बार बार खोलेंगे, इसमें वायर लगाकर
बार बार हम खोल सकते हैं। तो यही थी छोटी सी जानकारी है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।